हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल शो ऑन द आईपीएल 2023। इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस। कल वाकई मजा आ गया। एक हमारे लिए मुश्किल प्रेडिक्शन ये था कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलना, उसके गढ़ में खेलना, चेन्नई में खेलना और उसको हराना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है किसी भी टीम के लिए। पर हमने सही कारणों के पीछे ये प्रेडिक्ट किया था हमारी टीम ने कि राजस्थान रॉयल्स जीतेगा, और राजस्थान रॉयल्स जीता, वो भी आखिरी ओवर में जाके जब धोनी और जड्डू बहुत ही वेल सेट थे। और ये कमाल का जो आखिरी ओवर पे का संदीप शर्मा ने, मैंने शुरू में भी कहा था कि संदीप शर्मा एक ऐसा बॉलर है जो स्पीड पे रिलाई नहीं करता, मूवमेंट पे, मीडियम पेसर है, मूवमेंट पे रिलाई करता है, स्विंग बॉलर है, कंडीशंस का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है और वो यॉर्कर के चक्कर में नहीं पड़ता। क्योंकि ये जितने फास्ट बॉलर्स आप देखेंगे डेथ ओवर्स में खूब पिटते हैं, चाहे सिराज हो, खलील हो और बाकी कई लोग भी पिट चुके हैं, ये फास्ट बॉलिंग के चक्कर में और यॉर्कर के चक्कर में पिटते हैं क्योंकि इनका यॉर्कर ऑफ हो जाता है, वो फुल टॉस बन जाता है। और उसके पीछे एक और कारण है कि बैटर जो है वो एक एक फुट क्रीज के बाहर खड़ा होता है, और जब वो ऐसा खड़ा होता है तो वो बॉलर के लिए वो एडजस्टमेंट करना मुश्किल है। संदीप शर्मा, जस्ट टू समिट अप, ने एक बेहतरीन लास्ट ओवर फेंका और उसने राजस्थान रॉयल्स को जिता दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है राजस्थान रॉयल्स के लिए। आज का जो मैच है शाम का, वो है पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। तगड़ा मैच है, मोहाली में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स का अपना गढ़ है, शिखर धवन पंजाब किंग्स के कप्तान हैं। 99 रन उन्होंने पिछले मैच में बनाए थे जबकि उनके बाकी सारे बैटर्स करीब करीब फ्लॉप हो चुके थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी एक दो नए प्लेयर्स आए हैं, और जिसे कहते हैं जो खास तौर से जहां तक उनकी बैटिंग है, लाइनअप है, वो काफ़ी बेहतरीन हो चुकी है। मोहाली उनके होम कंडीशंस हैं और जो इनिशियल पिच रिपोर्ट ये बताता है कि ये बैट्समैन की मदद करेगा, बैटर्स की मदद करेगा, और कोई भी टीम जो पहले खेल रही हो पहली पारी में अगर उसने 210 रन के करीब करीब बनाए तो वो एक सेफ टोटल हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दिस प्रमाइस ऑब्वियसली दे आर प्लेइंग द टाइटल होल्डर्स गुजरात टाइटन्स विथ हार्दिक पांड्या इन द सीट, बट आई वुड से दैट पंजाब किंग्स हैव अ गुड चांस टू विन दिस मैच एट मोहाली एंड आई विल गो विथ पंजाब किंग्स। लेट मी टेक यू थ्रू सम ऑफ द अदर फैक्ट्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू गुजरात, हार्दिक पांड्या he's said to make his return to the team, and he will also have Liam Livingston coming in. Livingston is a very handy all-rounder, very good with the bat and also with the ball. Besides that, Vijay Shankar and Sai Sudarshan will form the main crux of the batting lineup, and they would hope to boost their chances with Kagiso Rabada coming back. पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो पिच रिपोर्ट जो IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली है वो एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 200+ टोटल जा सकता है। और जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है उसे पूरी कोशिश करनी होगी कि वो 210 के आसपास रन बनाए और तब भी अपने आप को सुरक्षित शायद न महसूस करे, क्योंकि अब आप देखेंगे इस IPL में का जो ट्रेंड है, एक टोटल जो पहले अगर 180-190 बड़ा माना जाता था, अब 200 भी नहीं बड़ा माना जाता है, 200+ भी नहीं बड़ा माना जाता है, 210-215 has been easily chased down, and that is something big worry for the team which is bowling. Now let's take a look at the players to watch out for where Punjab Kings is concerned. Shikhar Dhawan का नाम सबसे ऊपर है और ऑरेंज कैप की लिस्ट में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। 225 रन उन्होंने 3 मैचेस में बनाए हैं, जो एक बहुत ही अच्छी पारी उन्होंने खेली है। थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज किया है इस IPL में अपना स्टाइल, एक एंकर का रोल वो करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि एज अ ओपनर जितनी देर वो टिक सकें। वो एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ये भी एक एंकर की पोजीशन के खिलाफ रहा है कि ये जो IPL या T20 format mein there is no scope, no room for any anchor ever. You just come in and you play, but that is not what Shikhar Dhawan is doing. He settles in, he takes his time, and then he powers on. Liam Livingston, he was the second highest run scorer for the Kings last season with 437 runs in 14 games at an average of 36.42 and an excellent strike rate of 182.
छह विकेट भी उन्होंने लिए थे एक 33.67 के एवरेज पे। आज वो खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली और उन पे काफ़ी उम्मीदें टिकी होंगी। प्रभसिमरन सिंह ये सेकेंड हाइस्ट रन स्कोरर रहे हैं इस बार किंग्स के लिए, उन्होंने 83 रन बनाए हैं तीन गेम्स में, एवरेज 27.66 जो बेहतर हो सकता है, लेकिन स्ट्राइक रेट बुरा नहीं है, 176.59 है। जीटी की अगर बात की जाए तो जीटी में जो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में सबसे पहले नाम है राशिद खान का, एक बेहतरीन स्पिन बॉलर है और इस फॉर्मेट के बादशाह माने जाते हैं, और वो जिस हिसाब से उन्होंने पिछली मैच में हैट्रिक लिया था, हालांकि जीटी हार गया फिर भी, क्योंकि वो 5 छक्के जड़े गए आखिरी ओवर में, लेकिन राशिद खान ने जैसी बॉलिंग की वो काबिल तारीफ है। साई सुदर्शन 21 साल के बैटर हैं और उन्होंने ही वॉज वन ऑफ द फाइन्स ऑफ द सीजन फॉर द टाइटन्स लास्ट ईयर, जीटी ने पहली बार उनको मौका दिया था और सुदर्शन ने 137 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 133 एंड इज द लीडिंग रन स्कोरर फॉर द टीम। शुभमन गिल इंडिया ओपनर भी हैं, अभी बहुत इनफॉर्म है, 116 रन उन्होंने तीन गेम पे बनाए थे और एवरेज था 38.66 और स्ट्राइक रेट शायद बेहतर कर सकते हैं क्योंकि अभी 145 है। हेड टू हेड रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट गुजरात एंड पंजाब हैव अ 1-1 रिकॉर्ड इन हेड टू हेड क्लैशेस। गुजरात क्लेम्ड अ 6-विकेट विन इन द फर्स्ट मीटिंग इन आईपीएल 2022। पंजाब देन वन बाय 8 विकेट्स इन द सेकेंड एनकाउंटर इन द लीग स्टेज। तो जहां तक पल रहा है वो बिल्कुल बराबर है, एक एक पर। इंजरी की खबरें जो आ रही हैं, अवेलेबिलिटी की खबरें जो आ रही हैं, वो है कि पंजाब किंग्स के स्टार ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन वो इस बार शायद इस मैच में खेलेंगे, सारी निगाहें टिकी होंगी उन पर, बहुत उम्मीदें हैं। और हार्दिक पांड्या भी, उनको कोई तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन इस बार वो खेलेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एज अ बैटर अभी इनफॉर्म नहीं है और जीटी को ये ज़रूर उम्मीद होगी अपने कप्तान से कि वो उस हिसाब से रन बनाए। प्रोबेबल प्लेइंग 11 पंजाब किंग्स के कुछ नाम जो मेरे सामने हैं वो है शिखर धवन कप्तान, प्रभसिमरन सिंह विकेट कीपर बैटर, मैथ्यू शॉट बैटर, लियाम लिविंगस्टन बैट्समैन एंड पार्ट टाइम स्पिनर, जितेश शर्मा विकेट कीपर बैटर, शाहरुख खान बैटर, सैम करन, हरप्रीत बरार, राहुल चहर, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह। फास्ट बॉलर्स में पूरा दारोमदार होगा अर्शदीप सिंह और रबाडा पे, रबाडा से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। राहुल चहर लेग स्पिनर है, हरप्रीत बरार भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसके अलावा सैम करन है, तो इनके पास 1, 2, 3, 4, 5 एक अच्छा बॉलिंग अटैक है, एक बेहतरीन मिक्स है जिसमें काफ़ी जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो काफ़ी पावरफुल रहेंगे। एक प्लेयर के बारे में मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो है मैथ्यू शॉट। मैथ्यू शॉट ऑस्ट्रेलियन है, ही वॉज ब्रॉट बाय पंजाब किंग्स फॉर द 2023 आईपीएल एज अ रिप्लेसमेंट फॉर जॉनी बेस्टो जो नहीं आ पाए। उन्होंने एक बेहतरीन बिग बैश सीजन खेला है अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया में। मैथ्यू शॉट स्कोर्ड हिज इस साल जनवरी में स्कोर्ड हिज मेड इन सेंचुरी इन द बिग बैश लीग, उन्होंने 100 नॉट आउट बनाए थे फ्रॉम 59 बॉल्स, 59 गेंदों पे 100 रन बनाए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी घोषित किए गए और शॉट ने 458 रन बनाए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 144 एंड विद द बॉल शॉट स्कैल्प्ड 11 विकेट्स एट एन इकोनॉमी ऑफ 7.13। सो देर आर ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मैथ्यू शॉट एंड ही सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथन्स पंजाब किंग्स। सो जहाँ तक ओवरसीज प्लेयर्स की बात है, मैथ्यू शॉट, लियाम लिविंगस्टन, कगिसो रबाडा और सैम करन। जहाँ तक इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात है, सिकंदर रजा एक अच्छे ओपनिंग और ऑलराउंडर भी हैं, ओपनर हैं। ऋषि धवन भी ऑलराउंडर हैं, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, कैन हिट। हरप्रीत सिंह और दो और नाम है मोहित राठी के अलावा। गुजरात टाइटन्स में शुभमन गिल ओपनर, रिद्धि साहा विकेट कीपर बैटर। रिद्धि साहा से टेक्निकली शायद ही कोई बेहतर विकेट कीपर हो अभी भी इंडिया में। साई सुदर्शन बैटर, हार्दिक पांड्या कैप्टन है ऑलराउंडर, डेविड मिलर उनसे भी एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, पिछले सीजन में बहुत मारा था उन्होंने लेकिन इस बार अभी भी वो उस हिसाब से किक नहीं कर पाए हैं। राहुल तेवतिया थोड़े बहुत मुझे अंडर यूटिलाइज लगते हैं क्योंकि स्पिन ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी उन्होंने कुछ खास करी नहीं है अब तक और जहाँ तक बैटिंग की बात है उन्हें मौका ही नहीं मिलता है, अब तक नहीं मिला है। राशिद खान स्पिनर हैं, बैटर के हिसाब से भी वो डेथ ओवर्स की तरफ किक कर सकते हैं। मोहम्मद शमी फास्ट बॉलर, जोशुआ लिटिल आयरलैंड के वो भी फास्ट बॉलर, यश दयाल
इनका नाम थोड़ा इस वक्त गर्दिश में है क्योंकि वो पिछले मैच में आपको याद होगा 5 छक्के इसी को मारे थे रिंकू सिंह ने। अलजारी जोसेफ वेस्ट इंडीज का फास्ट बॉलर है। सो यू हैव अलजारी जोसेफ, दयाल, जोशुआ लिटिल एंड शमी एज द फोर फास्ट बॉलर्स। देन यू हैव राशिद खान एज अ ट्रम्प कार्ड स्पिनर एंड राहुल तेवतिया हु इज अंडर यूटिलाइज बट इज अ रीजनेबली गुड स्पिनर। जहां तक इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात है, विजय शंकर ऑलराउंडर, अभिनव मनोहर, मोहित शर्मा, के एस भारत विकेट कीपर बैटर एंड मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड इज एन इंटरेस्टिंग नेम टू हैव बिकॉज ही इज वन प्लेयर हु कैन रियली यूज द लॉन्ग हैंडल वेरी वेरी इफेक्टिवली। सो टू रैप अप दिस मैच, जो मुझे लगता है मोहाली एक बैटिंग पैराडाइज है। कोई भी टीम जो पहले बैटिंग कर रही है उस पे ये प्रेशर जरूर होगा कि वो 200 के ऊपर जाए। अब कितना ऊपर जाए ये उन पे डिपेंड करेगा, लेकिन 200 और 210, 210 के आसपास अगर जो टीम पहुंचती है वो एक प्रेशर एग्जर्ट कर सकती है, लेकिन वो ये ना समझे कि वो मैच जीत चुकी है। जहां तक बैटिंग लाइनअप की बात है, पंजाब किंग्स मेरे हिसाब से दे लुक क्वाइट गुड ऑन पेपर नाउ। दे हैव अ प्रॉपर बैलेंस एंड आफ्टर द लास्ट टाइम लॉस दे मे हैव लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स। शिखर धवन एक अच्छे कप्तान है, ओपनिंग बैटर हैं, उनके जो स्पिन और जो फास्ट बॉलर्स की लाइनअप है वो भी बेहतरीन है। गुजरात टाइटन्स एक बहुत अच्छी टीम है, आईपीएल के टाइटल होल्डर भी है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स ही जीतेगा मोहाली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल बी बैक विथ मच मोर ऑन दिस शो।